पिताजी, मैंने तो यकीन ही ना हो रहा कि आप हो। यकीन कर ले छोरा। चकुट्टी काट लीजिए, अब यकीन हो गया पिताजी। आओ भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हो गए। कैसे आना हुआ पिताजी? छोरा तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मारी जिंदगी में मैंने बस पिताजी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं सब समझ गया। आपका ये बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। आप जो कार्य अधूरा छोड़ कर गए थे, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। आप देखना, धरती पर एक भी सांप जीवित नहीं बचेगा। ना छोरा ना, जो पाप मैंने किया वो तू ना कर। पाप? मासूम बेजुबान सांपों को मारना ये पाप नहीं तो और क्या है? पिताजी ये क्या बोल रहे हैं आप? एक सांप ने आपको? छोरा, इंसान हो या जानवर, हम सबको जिंदगी ईश्वर देता है, और ईश्वर की दी हुई जिंदगी छीनने का हमें कोई हक ना है। ईश्वर ने कुछ खास मकसद से हम सबको बनाया है, हमें उस मकसद को समझना चाहिए। मैंने ये बात बहुत देर से समझी है, और जब मैंने देखा कि तू भी वही गलती कर रहा है जो मैंने की थी, तो मैं आज तुझे रोकने आ गया। पिताजी, आपकी मौत की वजह एक सांप था, और आप उन्हें क्षमा कर रहे हैं? आपकी उदारता देखकर मेरी आंखें भर आईं। लेकिन पिताजी, मैं आपकी तरह महान नहीं हूं। जिसने मेरे पिताजी के साथ अन्याय किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे महान पुरुष को मारकर उस सांप ने पूरी पृथ्वी का नुकसान किया है। मैं सांपों को छोड़ूंगा नहीं, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। छोरे, मारी मौत तो पिछले जन्म की बात है, इस जन्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले जन्म का बदला इस जन्म में लें, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। बिल्कुल है, लेकिन आपके साथ सांपों ने जो कुछ किया वो भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। छोरे, किसको कैसी मौत आनी है ये तो विधि लिखित है, उसमें किसी को दोष देना ये ठीक नहीं है। ऐसा है तो सांपों से मेरा बदला लेना ये भी विधि लिखित है। वो सिद्ध पुरुष मुझे क्यों, मुझे पिछले जन्म के बारे में क्यों बताते? पिताजी, ये सब ईश्वर पिता, ईश्वर चाहता है कि मैं सांपों से बदला लूं, मैं उन्हें मारूं। कौन है? अरे कौन है वहां? देख बस त्रिभुवन, कौन है? भगा इसको। पिताजी, 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 मैं शांति से सोचकर ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। सांपों को इस पृथ्वी से नष्ट करने का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। एक भी सांप को नहीं छोड़ूंगा, मैं जरूर पूरा करूंगा। अप्पू, अप्पू को मैंने सोने भेज दिया है, रात बहुत हो गई है तो। अच्छा किया आपने, लेकिन बबल जी अब क्या करेंगे? मुश्किल अभी भी वही की वही है। आपने देखा ना पिताजी, अभी भी। इच्छा तुम चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। आज नहीं तो कल पिताजी को हमारी बात माननी होगी। लेकिन तब तक बबल जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी मुश्किल से हम एक हुए हैं, अब मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, सात जन्मों का रिश्ता है हमारा, और इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई भी आकर इसे। तुम चिंता छोड़ दो, सो जा। मुझे नींद नहीं आएगी बबल जी। नींद नहीं आएगी? लोरी गा दूं? बबल जी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं इच्छा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें बचपन में नींद नहीं आती थी, तुम्हारी माँ क्या करती थी? दूध पिलाती थी। दूध पिलाती थी? हाँ,
इच्छाएं वाकई नींद का इलाज है या दूध पीने का बहाना? बब्बल जी बस हमेशा ऐसे ही हंसती रहना। अच्छा तुम उदास होती हो ना तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। केसर का खेत में देख लिया जो तू इतना हंस रहा है। अरे सुन तो सही माँ, कल रात पिताजी मुझसे खुद मिलने आए थे। किसी बातें कर रहा है? थारे पिताजी को तो गुजरे हुए। अरे माँ सपने में आए थे, सपने में। थारे सपने में क्यों आए? मारे से मिलने मारे सपने में भी तो आ सकते थे। अरे माँ मारे सपने में इस जन्म के पिताजी ना पिछले जन्म के पिताजी मिलने के लिए आए थे। ओ, पिछले जन्म के पिताजी सर हमारे पास तो आ, पहले नहीं बता सकता था कि बेकार में मैंने जज्बाती कर दिया। अरे माँ तूने बोलने का मौका ही कहाँ दिया? पिताजी ने मुझसे कहा बेटा सांपों को मारना छोड़ दे, उन्हें बख्श दे। अब थारी अक्ल ठिकाने पर आई? आधी आधी अभी वही। मतलब पिताजी के सामने मैंने भी एक कंडीशन रख दी। मैं बोल रहा पिताजी जंगल के सांपों को मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो सांप घरों में घुस के लोगों को परेशान करेंगे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मारी बात सुनकर पिताजी धुआं हो गए, पर मन ने पूरा यकीन हो गया पिताजी मारी बात से पूरी तरह से सहमत है। मारे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। माँ ए माँ मैं सोच रहा था कि अपने घर के आंगन में एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा नेवला पालने के। हैं बावला पालने? अरे पिताजी वो किस लिए? ए भाई जब तुम दोनों हो तो मुझे तीसरा बावला पालने की क्या जरूरत है? एक मिनट पिताजी। अरे पिताजी बावला नहीं नेवला कह रहे, नेवला पालने को कह रहे हैं। अरे पिताजी नेवला क्यों? जरूरत क्या है नेवले की? और हमारे घर में कहाँ रोज रोज सांप निकलते रहते हैं। अरे भाई रोज ना निकलते तो कभी कभार तो निकले हैं ना। अगर घर में नेवला रहेगा ना तो हमें उसका डर भी ना रहेगा। और सबसे बड़ी बात अगर आस पड़ोस में कोई सांप निकला तो हम नेवले की मदद ले लेंगे। क्यों भाई? हाँ पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं भैया? नेवला कोई पालने की चीज होती है पिताजी। नेवला एक जंगली जानवर होता है और भगवान ना करे घर में किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो। अरे भाई उसे खुला थोड़ी छोड़ेंगे, पिंजरे में बंद करके रखेंगे। लेकिन पिताजी आप इच्छा पिताजी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए यहाँ आ गया। अब तो यहाँ वाकू भी नहीं है वरना उससे तेरी खबर मिलती रहती थी। अच्छा हुआ आप आ गए, वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। आइए ना। अच्छा सुन मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? नाग पंचमी आ रही है ना, तेरी माँ ने तेरे लिए दूध की मिठाई भेजी है। हाँ हाँ पहले अंदर तो आइए। लेकिन माँ क्यों नहीं आई? बेटा वो आना चाहती थी लेकिन उसकी तबीयत खराब है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है इसलिए मैं उसे नहीं लाया। अब नाराज होकर बैठी होगी मुझसे। कोई बात नहीं आप आइए। चल अब प्रणाम। प्रणाम। बिराजो जी बिराजो। जी 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 ये आप सबके लिए। हमारे गांव की खास मिठाई है, इच्छा की माँ ने भेजा आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा की माता जी खुद क्यों नहीं आई? पिछली बार भी नहीं आई थी, उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। जी वो आना तो चाहती थी मगर हमारे यहाँ नागपंचमी से पहले माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाती। अच्छा क्या लेंगे आप, चाय या लस्सी?
जी मैं कुछ नहीं, मैं बस पानी। तो पानी से काम ना चलेगा, कुछ और लेना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, कुछ तो लेना होगा। ठीक है, आप जोर दे रही हैं तो मैं एक ग्लास दूध पीऊंगा। दूध। जैसी बेटी वैसे ही पिता। अरे ममता, जा जाके दूध लिया। जी पिताजी। आप आराम से बैठ के दूध पियो, मैं अभी आया। आप कहीं जा रहे हैं? नेवला खरीदने। नेवला? लेकिन नेवला क्यों? क्यों मतलब? अरे हम पालना चाहते हैं। लेकिन आजकल नेवला पालता कौन है? और वैसे भी नेवला आपके घर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? ये एक इंटरनेशनल सपेरे का घर है। क्या? मैं समझाता हूँ आपको। पिछले जन्म में मैं एक सपेरा था, तो हुआ ना ये घर एक सपेरे का। और सपेरे के घर में नेवला ना हो, ये बड़ा अजीब सा लगे है। अरे क्या बात कर रहे हो पिताजी, एक नेवले के ना होने से हमारा घर गरीब क्यों लगेगा? अबे ओ गरीब खोपड़ी, मैंने अजीब बोला, अजीब। चुप रह। लेकिन पिछले जन्म को इस जन्म से क्यों जोड़ रहे हो? ना, मैं नहीं जोड़ रहा, ये तो भगवान ने जोड़ा है, भगवान ने, तभी तो। पिताजी पिताजी, इनकी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं तो सुन रहा हूँ, यही मेरी बात ना सुन रहे हैं, कह रहे हैं नेवला मत खरीदो। आप समझ नहीं रहे खड़ा जी, नेवला मेरी बेटी की जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। मतलब? पिताजी इनका मतलब है मुझे बचपन से नेवलों से डर लगता है। जी मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस घर में नेवला ना पालें। आपकी बेटी मारी बहू है, उसकी भी हमें घनी चिंता है, उसके मन से नेवले का डर मैं निकाल दूंगा, लेकिन इस घर में नेवला आवेगा जरूर। इतना सब करने के बजाय घर में नेवला आई ना तो? देखो जी, ये घर मारा है, इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरी भी बात सुन लीजिए, अगर नेवला इस घर में आएगा तो मेरी बेटी इच्छा इस घर में नहीं रहेगी, मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। समझी जी? अरे आप समझ नहीं रही हैं। देखिए मेरी बेटी बहुत डरती है नेवलों से, नेवले का नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं, और अगर ऐसे में कुछ नहीं नहीं, मैं किसी को अपनी बेटी को परेशान करने नहीं दूंगा। देखिए आप शांत हो जाइए प्लीज। पिताजी आप भी, एकदम से इतना बड़ा फैसला इसी कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए, जज्बात में आकर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैं चलता हूं। आखिर हो ही गया गलती का एहसास, अगर नहीं भी होता ना तो कोई बात ना, नेवला तो इस घर में आके रहेगा, सुन रहे हो आप? सुनते जाओ, अरे सुनते जाओ, नेवला आके रहेगा इस घर में, कुछ भी कर लेना तुम। क्या हुआ बबल जी, आप इस तरह क्यों चले आए? अच्छा, जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने मेरे घर वालों से बात की मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूं गलती पिताजी की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एकदम से रिश्ता तोड़ने की बात करे। मैं समझ सकती हूँ बबल जी, लेकिन वो नेवले की बात सुनकर अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ते देख कोई भी पिता इसी तरह बर्ताव करेगा ना? अच्छा कम से कम उन्हें अपने दामाद पे तो विश्वास होना चाहिए। इच्छा मैं तुम्हारे लिए नेवला क्षेत्र में घुस सकता हूँ, तो क्या तुम्हें घर में एक नेवले से बचा नहीं सकता? हद से ज्यादा गुस्सा बात को बिगाड़ देता है इच्छा, और जब सामने वाला गुस्से में हो तो हमें शांत हो जाना चाहिए। बब्बल जी ये बात आपके पिताजी पर भी लागू होती है। मतलब मेरे पिताजी की गलती के बदले तुम्हारे पिताजी एक और गलती करेंगे? मेरे पिताजी आपके पिताजी, ये भेदभाव आप कब से करने लगे? मैं नहीं कर रहा, तुम कर रही हो इच्छा। बब्बल जी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इच्छा गलती तुम्हारे पिताजी की ही थी, मेरे पिताजी की इज्जत चाहे जो भी हो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की थी। अरे उन्हें पता भी नहीं कि तुम एक नागिन हो, तो वो इस बात की गहराई को कैसे समझ सकते हैं? लेकिन तुम्हारे पिताजी, अरे वो तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बाहर बर्ताव किया ना इच्छा, नहीं बहुत गलत किया उन्होंने। पापा जी आप बेवजह मेरे पिताजी को। मैं बेवजह कुछ? चाचू चाची आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? अरे ये वक्त झगड़ने का नहीं है, आप दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा।
ये खड़क भी ना बड़ा ही जिद्दी आदमी है, एक बात उसके दिमाग में बैठ गई तो फिर निकलती ना है। क्या हुआ तुझे, किसने की तेरी हालत? माँ मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, पता नहीं मतलब बीच रास्ते में किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, बहुत पिटा मुझे। पिताजी आप किससे मिलने गए थे? अरे छोरे वो जरूरी ना है, मुझ पर किसने हमला किया यो जानना जरूरी है। अरे वही तो पूछ रहे पिताजी, किसने बनाई आपकी ये हालत? मैंने कुछ ना देखा बेटे, पीछे से किसी ने मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और आप शांत हो जाइए पिताजी, आपको तकलीफ हो रही होगी। अरे पिताजी बस एक बार बता दो किससे मिलने गए थे? अरे छोरे मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, टाइम फिक्स करना था, आज शाम 7 बजे का उनका यहाँ आने का टाइम फिक्स हुआ है। चंचल इसे अंदर ले जा और मरहम पट्टी कर, प्रबल सबर जा मदद कर। मैं खुद जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे पिताजी की हालत किसने की है। आप जानते हैं? एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम्हारे पिताजी। बब्बल जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? माना कि मेरे और आपके पिताजी में बहस हुई। एग्जैक्टली बहस हुई थी ना, उसी का गुस्सा था उनके दिमाग में और वही निकाला उन्होंने। वो कह भी तो रहे थे अगर मेरी बेटी को किसी ने परेशान किया तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात बताऊं, अगर मेरे पिताजी को कुछ करना ही होता ना तो उन्हें गुंडों से मदद लेने की जरूरत नहीं थी, उनके फुफकार ही। बब्बल जी आप भी जानते हैं मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, अपनी बेटी के ससुर को मारने जैसी गंदी हरकत वो सपने में भी नहीं कर सकते। तो और कौन मारेगा मेरे पिताजी को और क्यों मारेगा? तुम्हारे पिताजी के पास बजट थी, उन्हें मेरे पिताजी के साथ बहस करनी ही नहीं चाहिए थी। अरे चाचू चाची आप फिर से शुरू हो गए, अगर आप इसी तरह झगड़ते रहेंगे तो हमारा सेकंड मिशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जल्दी से पैचअप कर लीजिए, सॉरी बोलिए एक दूसरे को और बात को यही खत्म कीजिए जल्दी से। आप दोनों जानते हैं आप इस दुनिया के बेस्ट कपल हो, और बेस्ट कपल झगड़ते नहीं, एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं। ये दोनों तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, तो कैसे समझाऊं मैं इन्हें? उनका आने का समय हो गया, समझ गए। आजा, साथ बज गए। खड़ा क्या हो रहा है तुझे, और कौन आने वाला है तू बताएगा हमें? थोड़ा इंतजार और कर माँ, अपनी आंखों से देख लेना, वो आ गई। वो आ गई। आइए। प्रणाम। प्रणाम कौशल्या देवी। एमा मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था, जब मैं नेवला खरीदने गया था ना तो रास्ते में इनसे मुलाकात हो गई थी, इन्होंने कहा नेवला वेवला पालने की कोई जरूरत ना है, तेरी समस्या मैं खुद आकर सॉल्व कर दूंगी। और जैसे ही मैं इनसे मिलकर थोड़ा सा आगे बढ़ा किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। वाह अरे यो तो सरासर गलत है पिताजी, माना कि आप छोटे गमले की तरह लगते हो लेकिन आपको मुंह पर गमला बोलने का हक किसी को ना है।
पत्ता ने भी कोई हक ना है मारा पोता कहलाने का। अरे भाई पिताजी गमला नहीं, पिताजी कह रहे हमला हमला। एक तो मारा पूरा बदन दर्द कर रहा है और ऊपर से बेवकूफ मारा मत्था ठनका रहा है। बब्बल जी ये नाग अंजना तो उस रात आग में जलकर ये जिंदा वापस कैसे आ गई? और बब्बल कैसी तबीयत है तारी? मारी पूजा का असर हुआ कि नहीं? हुआ ही होगा, नाग अंजना की दवा होती कड़वी है लेकिन असर जरूर करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, उस रात की पूजा के बाद मारे पोते की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जो बुरे बुरे सपने आते थे ना वो भी बंद हो गए। सो तो होना ही था, मारी लाठी जब बरसती है अगला पिछला सारा मेल निकाल देती है। उस रात मैंने बब्बल को इतना बड़ा सच दिखाया कि इसकी सपने देखने की आस ही खत्म हो गई होगी। इसकी समस्या तो आपने दूर कर दी, मुझ पर भी कृपा कीजिए। मारे पिछले जन्म के पिताजी को एक नाग ने डस लिया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे उस नाग के बारे में पता करना है, मन्ने उसे सजा देनी है। चुटकी भर का काम है खड़क सिंह जी, यहाँ चुटकी बजी वहाँ आपकी मुश्किल खत्म। बस एक क्रिया करनी है, जैसे क्रिया संपन्न होगी आपका गुनहगार नाग आपके सामने आ जाएगा। जो कहें जैसा कहें मैं सब कुछ करूंगा, आप बताओ बस। नागों भी देव, ये कौन सा नया इम्तिहान है? नाग अंजना सही सलामत है, ये फिर अपने पैंतरे फेंकेगी, फिर नागिस्तान का रास्ता जानकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर इसने मेरी सच्चाई घरवालों को बता दी तो? बब्बल जी ने तो मुझे अपना लिया है लेकिन लेकिन घर वाले कभी नहीं अपनाएंगे, ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा, जो सहा जितना सहा सब माटी मोल हो जाएगा। नहीं नहीं इसे बब्बल जी, बब्बल जी वो सपेरन मैं संभाल लू। बब्बल जी आप जानते हैं ना वो कितनी शक्तिशाली है, पिछली बार जब वो आई थी तब वो कुछ नहीं जानती थी लेकिन अब वो हम दोनों को जानती है, हमारा राज जानती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इच्छा तुम डरो मत, वो जैसे आई है वैसे ही उसे वापस भेज देंगे। इस मुसीबत से जान छुड़ाकर भागे थे आपके पिताजी, उसी मुसीबत को घर ले आए। हाँ तो वो जानबूझकर सपेरन को यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, उन्हें पता भी नहीं कि सपेरन के इरादे क्या है, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है, वो तो बस अनजाने में ही सही लेकिन उन्होंने मेरी मुश्किलें तो बढ़ा दी ना। हाँ तो मैं हूँ ना तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने के लिए, इतना घमंड और गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। बब्बल जी मैं कहाँ घमंड दिखा रही हूँ, यहाँ आने वाले खतरे के बारे में सोच सोच के मेरी हालत खराब हो रही है। तो मुझे भी उस खतरे का एहसास है, इसका मतलब नहीं तुम। ओफो, आप दोनों अभी तक नाराज हो एक दूसरे से? नाराज तो उन पर होते हैं जिन्हें हमारी नाराजगी की कदर होती है। जब किसी को बेवजह नाराज होने की आदत लग जाती है तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब बस भी कीजिए आप दोनों, और कितना समझाऊं मैं आप दोनों को। अरे आप दोनों इसी तरह झगड़ते रहे तो आप ही की मुश्किलें बढ़ेंगी, इनफैक्ट बढ़ चुकी है। क्यों क्या हुआ है? सपेरन ने रिया की तैयारी शुरू कर दी है। राजशेष सर्व संकट विनाशा, पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राजशेष सर्व संकट विनाशाय, पाप संहार माम रक्ष मेणागो। राजशेष सर्व संकट विनाशाय,
पाप संहार माम मे नागो राजशेष सर्व संकट विनाशाय पाप संहार माम रक्ष मे नागो राजशेष ये कैसी क्रिया है बबल जी पाप संहार माम बबल छोरा आके पूजा में बैठ जा नहीं दादी आप तो जानती है ना मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता सबको पता है कि आप हमारे बाप हो फिर चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे हो बाप बाप भाई बाप नहीं पिताजी कह रहे सांप सांप वो देखो पर्दे पे सांप ओ अरे हाँ ये तो सांप ही है फिर ये बाप क्यों कह रहे थे अरे ओ मेरे बाप चुप हो जा सांप की आकृति एक औरत की आकृति में बदल गई पता चल गया खड़क सिंह एक बात बोलूंगी 100 बात की वज्जण की ध्यान से सुन धाड़े पिछले जन्म के पिताजी का जो हत्यारा था अब वो एक इच्छाधारी नागिन अच्छा कहाँ है वो नहीं छोड़ूंगा उसको धीरज खड़क सिंह धीरज कुछ रहस्य इतनी आसानी से नहीं खुलते आज जो क्रिया हुई उसमें बस मुझे इतनी जानकारी मिली है अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक और पूजा करनी होगी करेंगे करेंगे जरूर करेंगे एक बात नागंजना डंके की चोट पर कह सके कि वो इच्छाधारी नाग थारे से ज्यादा दूर नहीं है एक बात नागंजना डंके की चोट पर कह सके कि वो इच्छाधारी नाग थारे से ज्यादा दूर नहीं है एक बात बता खड़क अगर तने पता चले कि वो इच्छाधारी नागिन कौन है कहाँ है तो क्या तू उससे मार डालेगा आपको कोई शक है क्या मैं अपने पिता के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा शाबाश खड़क थारा ये जज्बा देख मुझे गड़ा अच्छा लगा अब सुन ये जो इच्छाधारी नागे ना बड़ी पहुंची हुई चीज हो गए है उनको हम मार नहीं सकते फिर पकड़ कर कैद जरूर कर सके हैं हाँ। एक बार कैद हुई तो तड़प शुरू और फिर एक दिन वो तड़प उनको मार देती है अब बोल खड़क आज शाम को पूजा करें हाँ जरूर करेंगे होगी पूजा होगी 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 शाबाश ममता मेहमानों के कमरे में इनके रहने का बंदोबस्त कर दे जी दादू
आ छोरा, मने पता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। पुरानी कहावत है, नाक दबाओ तो मुंह खुली जावे है। तुमसे एक बात पूछनी थी। उस दिन तुम्हारे अड्डे पे इतनी बड़ी आग लगी थी, तुम बच कैसे गई? दुनिया में आग नहीं बड़ी जो ना गंजना को जला सके। और ऐसे भी छोरा, मारे खुद की जलाई आग में मैं कैसे जल सकूं? मतलब सीधा है, नौटंकी मारी, आग मारी, पर्दा गिराया मैंने। वो तो मारी योजना थी तंडे और थारी इच्छा को बेवकूफ बनाने की। मने घना यकीन था कि तुम लोग समझोगे, सपेरन मरी जान छुट्टी। लेकिन ये सपेरन नग से भी ज्यादा जहरीली है। मैं जिंदा थी, तुम दोनों की परछाई बनकर घूम रही थी, और आज मैं यहाँ आ गई। तो अब तुम क्या चाहती हो? वही जो पहले चाहती थी। लगता है तुम्हारी हारने की आदत छूटी नहीं है नागंजना देवी। इच्छा तुम एक बार बांध दे चुकी है, फिर से एक बात समझ लो, इच्छा से उलझना बेकार है। तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। ए छोरा, हां बाण को लगाम दे। तड़के लगता है मैं ऐसे ही उठकर आई हूं यहां। आहा, पूरी तैयारी के साथ आई हूं। मने पता है थारा परिवार ही तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए मारा निशाना वही सब है। पिछले कुछ दिनों से उनको बारीकी से देखा है मैंने, कौन कहां जाता है, क्यों जाता है, किससे मिलता है, सबका लिखा जोखा है मारे पास। और सबसे बड़ी बात, तू अपनी लाडली इच्छा को हर मुश्किल से कैसे बचाता है वो भी जानती हूँ मैं। इसका मतलब? एकदम सही सोच रहा है तू। मने तुझसे सिर्फ नागिस्तान का पता चाहिए। अगर तू अपने परिवार को इसी तरह हंसता खेलता खुशहाल देखना चाहता है तो चुपचाप मारी मदद कर, वरना इच्छा की सच्चाई सबके सामने और इच्छा घर के बाहर। एक मिनट ना लगेगा मने थारी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने में। एक बात तुम्हारी समझ में ना आ रही है, जिन लोगों ने थारे पिताजी को पीटा, तू उन लोगों की जान बचाने पर क्यों तुला है? क्या मतलब है तुम्हारा? मारा बोला छोरा, बात की गहराई समझ ना पा रहा है। आसान शब्दों में बता दूं, थारे पिताजी को इच्छा के पिताजी ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नाग नाग हो वे छोरा, उन्हें कितना भी दूध पिलाओ पलट कर डसने के नियत कभी नहीं छोड़ते। अगर तने अपने परिवार को बचाना है तो पहले नाग को ठिकाने लगाना ही होगा। ये शुभ कार्य सिर्फ मैं ही कर सकूं। तू हमारी मदद कर दे, तुम्हारी मदद करूंगी। क्या करूं, कैसे रोकूं सपेरन को? आज शाम की पूजा कोई साधारण पूजा नहीं होगी। इस पूजा के जरिए वो बब्बल जी से नागिस्तान का पता जानने की कोशिश करेगी। बब्बल जी,
क्या हुआ, क्या बोला उसने? किसने? उस सपेरन ने। अभी आप उसी से मिलने गए थे ना, मैंने आपको उसके कमरे की ओर जाते हुए भी देखा था। नहीं तो मैं उससे मिलने नहीं गया था। तो अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे हैं? ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछना था। अगर कभी भी मुझ में और तुम्हारे परिवार में से किसी एक को चुनना हो, तुम क्या करोगी? किसे चुनोगी? ये कैसे सवाल है बबल जी? जैसा भी सवाल है, जवाब तो मुझे। ऐसे हालात कभी आएंगे ही नहीं। समझ लो, ऐसे हालात आ गए तो तुम क्या करोगी? साहिर से बात है, मैं आप ही को चुनूंगी। मिल गया जवाब। आप तो रोमांस रहने दीजिए। एक बार मौका देकर तो देख, फिर बताता हूँ कि रोमांस क्या होता है। बहुत देखा है मैंने आपका रोमांस। जय बजरंगबली कहे कि तुम मुझे बाहों में ले लेते हो, गोद में उठाते हो तो बेड पे धोबी पछाड़ देते हो। अरे मैं वो तो बस जी। सुनिए ना, आप भी एक टीवी सीरियल क्यों नहीं बनाते हो? टीवी सीरियल? मैं? अरे उससे क्या होगा? ताकि आप थोड़ा रोमांस करना सीख जाओ। आप ही देखिए ना, जो लोग टीवी सीरियल पे रोमांस दिखाते हैं, उनकी असल जिंदगी में कितना रोमांस होता होगा। अरे बावली, तू रैपर देख के चॉकलेट के टेस्ट का अंदाजा लगा रही है। मतलब? अरे मतलब ये कि टीवी पे रोमांस दिखाना अलग बात है और घर में रोमांस करना अलग बात। और टीवी पे सीरियल बनाने वाला भी घर में एक आम पति होता है जो काम और बीवी के बीच में हमेशा पिसता रहता है। ओ! पढ़ाई तो ना लग रही, कुछ और ही लग रहा है। चल देखता हूँ। छोटे, क्या छुपा रहा है? क्या 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 छुपा रहा हूँ? क्या छुपा रहा हूँ? कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ये क्या है? अच्छा, धारी नाग एक रहस्य है। छधारी नाग के लक्षण। अरे तूने नागों के स्कूल में दाखिला ले लिया? मुझे बताए ना। अरे भाई, मैंने किसी स्कूल में कोई दाखिला लिया ही नहीं है। तो फिर किताब कहां से आ गई? और ये लाल डायरी में क्या लिखा है तूने किताब में से? ए, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? छधारी नाग बनने की सोच रहा है? छोटे, ये तो घनी गड़बड़ हो जाएगी। वहां पिताजी नागों के दुश्मन बने हुए हैं और तू इच्छाधारी नाग बनना चाहता है? अरे भाई, अगर मैं इच्छाधारी नाग बन गया तो उससे पिताजी का ही काम तो आसान होगा। नाम आसान हो जाएगा? अरे उनका नाम तो वैसे ही आसान है, खड़क एक सांस में ले सके, और क्या आसान करेगा तू? अरे नाम नहीं भाई, काम। मैं समझाता हूँ आपको। पिताजी क्या है? पता ना। अरे इंसान है इंसान, क्या हो गया आपको? हाँ, तो पिताजी कितना भी जोर लगा लें, कभी भी उस नाग को पहचान ना सकते जिसने पिताजी के पिताजी की जान ली थी। लेकिन अगर मैं इच्छाधारी नाग बन गया तो उसी कातिल नाग के मोहल्ले में घुस के उसे बड़ी आसानी से पहचान सकता हूँ। अच्छा, और ये किताब पढ़ के तू इच्छाधारी नाग बन सका? अरे इसमें कोई नुस्खा लिखा है क्या? अरे नहीं भाई, इसमें तो सिर्फ इच्छाधारी नागों के लक्षण लिखे हैं। मैं उन लक्षणों को अपने अंदर ढालूंगा और खुद एक इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा। अच्छा, ऐसे नाग बन सके? अरे कोशिश करने में क्या जा रहा है भाई, अगर पूरा नाग ना भी बना, आधा अधूरा नाग तो बन ही जाऊंगा ना मैं। ये भी सही है, तो एक काम करते हैं, दोनों इच्छाधारी नाग बन जाते हैं, वो है ना, एक से भले दो। तू ना पहचान पाया तो मैं पहचान लूंगा, मैं ना पहचान पाया तो तू पहचान लेगा, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। बहुत सही आइडिया भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं नागो के लक्षण पढ़ता हूँ, फिर हम वैसे वैसे करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लाओ 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 लाओ, मेरे को दिखाओ। हाँ, ये जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना भाई, इनकी जीभ बहुत लंबी होती है और लपलपाती रहती है। हैं? निकालो। क्या? जीभ निकालो, बाहर निकालो। हाँ, और निकालो निकालो निकालो, बाहर निकालो बाहर। ऐसे तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत हो,
इतनी लंबी जीभ से हम काम चला लेंगे। मैं आगे पढ़ता हूँ, ठीक है? भाई ये जो इच्छाधारी नाग होते हैं ना, ये अपने शरीर की हड्डियों को तोड़ मरोड़ के अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। क्या? सिकोड़ लेते हैं। तो ये हमसे हो पाएगा कि छोटे? भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, पिताजी की मदद करनी है ना। ठीक है भाई, अच्छा जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप भी करना, ठीक है? एक मिनट। वेरी गुड, सिकोड़े। हाँ अब देखो क्या करना, मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे वाला जो है ना हिस्सा आपका, हाँ? सिर्फ इसको घुमाना है ऐसे। अच्छा। हाँ घुमाओ। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला हिलाना नहीं है, सिर्फ नीचे वाला हिलाना है। हाँ हाँ, हिलाओ 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 हिलाओ, जीभ भूल रहे हो आप, जीभ बाहर निकालो। हाँ अब जीभ लपलपाते हुए, हाँ? नीचे का हिस्सा घुमाते हुए, हाँ? अपना फन उठाओ। फोन उठाओ? अरे फोन उठाऊ नहीं, फन उठा, फन उठाओ, फन। हाँ उठाओ, उठाओ, लपलपाओ लपलपाओ, घुमाओ और उठाओ। हाँ हंसते हो ना। हाँ अब मेरे पीछे पीछे आओ, शकल में गुस्सा, शकल में गुस्सा। आज मेरे मना करने के बाद भी बब्बल के पिता नेवला लेने गए थे। बड़ी जिद्दी इंसान है, अब तक तो वो नेवला लेकर आ भी गए होंगे। इसका मतलब हमारी इच्छा वहाँ, बाकू क्या हुआ, तेरी फुफकार इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है, और फन पे परेशानी, कुछ हुआ है क्या? इच्छा तो ठीक है ना बाकू, आज उसके ससुर घर पर नेवला लाने वाले थे, क्या उन्होंने कुछ? नहीं वो नेवला नहीं लाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ले आए हैं अपने साथ। कैसी मुसीबत? वो सब पेरन नागंजना देवी, वो आई है इच्छा के घर पर। क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो आग में जल गई थी ना? नहीं उस आग में वो मरी नहीं थी, उसने मरने का सिर्फ नाटक किया था। इसका मतलब इच्छा और बब्बल दोनों की जान खतरे में है, और हमारे नागिस्तान पर भी खतरा कायम है। वाकू तू वहां वापस जा, वहां के हालातों पर नजर रख, और अगर इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ी तो तुरंत खबर करना। ठीक है मुकेश। तू मुझ पर हमला करना नागिन। हमला करूं? हाँ। कैसे? अरे ऐसे। हाँ, हाँ। ऐसे? ऐसे? ए चंचल प्यार नहीं करना, हमला करना है, हमला। गुस्से में शाबाश। ए नागिन तू मुझे डसना चाहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी बाजी, ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या बताऊं इच्छा, यहाँ इच्छाधारी नागिन को पकड़ने की प्रैक्टिस हो रही है, पागलपन का एक और दौरा पड़ा है इन्हें। पागलपन नहीं है यो, ये जुनून है, जुनून। अपने पिता के हत्यारे को खत्म करने का जुनून मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो इच्छाधारी नागिन मेरे सामने आएगी तो मैं उसे कैसे मारूंगा? नहीं नहीं मारूंगा नहीं, उसको तो मैं पकड़ूंगा। लेकिन पिताजी आपने उस नागिन को ना देखा है ना समझा है, बिना देखे समझे आप उसे अपना दुश्मन मान बैठे। हो सकता है वो नागिन इस जन्म में अच्छी हो, आप सबका भला चाहती हो, आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो, क्या तब भी आप उसे अपने घर में जगह नहीं देंगे? कैसी बेतुकी बातें कर रही है छोरी, अरे इंसानों से भरा पूरा परिवार है हमारा, हम नाग को हमारे घर में जगह क्यों देंगे? इच्छाधारी नाग इंसानी परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते दादी? इच्छाधारी नाग इंसान का रूप लेकर तो इंसानों के साथ रह सकते हैं ना? नागों के साथ रहना कैसे? नाग तो कितने खतरनाक होते हैं। नहीं माँ जी, नाग तो बड़े ही शांत और प्यारे होते हैं। हाँ कुछ नाग बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग तो इंसानों में भी होते हैं ना, ऐसे में हम क्या करते हैं, अच्छों को अपना बनाते हैं और बुरों से रिश्ता तोड़ देते हैं।
ऐसा ही फर्क हमें नागों में भी करना चाहिए। जो अच्छा है उसे पकड़ने की सजा देने की जरूरत ही नहीं है। अब कौन और कैसे पता लगाएगा कि कौन सा नाग अच्छा है और कौन सा बुरा। रही बात खड़क की, इसे तो अपने पिछले जन्म के पिताजी के हत्यारे नाग से बदला लेना है, तो लेने देना। अगर एक नाग के पकड़े जाने से इसके मन को शांति मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है दादी, किसी के भी पिछले जन्म के कर्मों की सजा उसे इस जन्म में नहीं दी जा सकती। हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है, उसे पकड़ के या उसे सजा देके। देख छोरी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि नागों के प्रति तुझे घना प्रेम है। ये प्रेम तू अपने तक ही रख। अब बहस यहीं खत्म कर और जा नागंजना देवी को चाय दे दे। जा। वैसे तुम इच्छाधारी नागने होती बड़ी सुंदर हो। तारी यही सुंदरता मने घनी भाती है, इसलिए तो थारे नागिस्तान पर राज करना है मने, ताकि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। अधी लड़ाई तो तू पहले ही हार चुकी है। जिस पति को बचाने के लिए तूने मारे सामने अपने जान की बाजी लगा दी थी, थारा वही पति अब मने मारी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब सगे रिश्तों पर बात आती है ना, तो प्यार का रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। छोरी, तने सुनने में शायद बुरा लगेगा, लेकिन थारा प्यारा बब्बल अब मारी मदद करने को तैयार हो गया है। क्या? सही कह रही है वो। मैं इसे नागिस्तान करा कर दिखाने ले जाऊंगा। बबल जी, आप ये नहीं। बबल जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो किया उसके बाद तो मैं। नहीं बबल जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। नागंजना, चलो। नहीं बबल जी, आप मेरी बात सुनिए, हम एक बार फिर पिताजी से पूछते हैं उन्हें किसने मारा है। और उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बात आईने की तरह साफ है, अच्छा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं बाबा जी, आप नागिस्तान को खतरे में नहीं डाल सकते। आप भूल रहे हैं, हम उन्हें वचन देकर आए। वचन? तुम्हारे पिता नागिस्तान से ही है ना, अगर वो अपनी मर्यादा भूल सकते तो मैं भी अपना वचन तोड़ सकता हूँ। अब समय आ गया है। अच्छा, मैं या तुम्हारा परी, हम दोनों में से किसी एक को चुनना है तुम्हें। आपको शायद मेरे जवाब से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इस अपहरण की बातों में आकर मुझे मेरे नागिस्तान को खतरे में डाल सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे नागिस्तान की परवाह तुम करो, मुझसे उम्मीद मत करना। तुम्हारे पिताजी की करतूत के बाद मुझे नागिस्तान और नागिस्तान वासियों से कोई हमदर्दी नहीं। मैं नागंजना को नागिस्तान पहुंचा कर रहा हूं। ऐसा मत कहिए बबल जी। ओ इच्छा, इच्छा ले, तू यहाँ है और मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुझे। अरे छुरी देखो, पूजा का सामान आ गया है, तू जरा रखवा दे कमरे में। मारी हालत तो तू देख ही रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। तू मदद कर देगी तो अच्छा हो जाएगा।
यकीन ही नहीं होता कि बबल जी ऐसा मुझे नागिस्तान तक खबर पहुंचानी होगी। बाकू, हाँ बाकू को बुलाती हूँ, बबल जी को रोकने में उसकी मदद हो जाएगी। के सोचने लगी छोरी, हमारे पास समय कम है, चला जा। पिताजी आप जाइए, मैं अभी आई। ठीक है, जल्दी आ जाना है। क्या मुसीबत ये। पाकू, पाकू कहाँ है तू? जल्दी से आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। बाकू कहाँ है तू? जल्दी आजा बाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बाकू कहाँ रह गया? ये नागू भी देख, ये कैसी परीक्षा है, बाकू से भी संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? नहीं, खड़े खड़े इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। कहीं बब्बल जी उस अपेरन के साथ नागिस्तान पहुंच गए तो अनर्थ अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मुझे खुद जाकर बबल जी को रोकना होगा। आजा छोटे, आजा जल्दी, आजा 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 आजा। भाई क्यों बुलाया मेरे को? मैंने इच्छाधारी नाग बनने का पूरा इंतजाम कर लिया है। क्या? नागिन डांस, अब इस पे दो नाग थिरकेंगे। वाओ भाई। नागंजना देवी, मैं आपको नागिस्तान तक तो ले जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? एकदम सीधी सादी बात है, आपका काम हो जाने के बाद आप मुझे या मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं करोगे, आप मेरे घर की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखोगी। ना ना छोरा, जो मैं पाना चाहती हूँ उसे पाने के बाद वापस आने की कोई वजह ही ना रहेगी। ठीक है, चलिए। चल। अरे भाई, ये क्या है ये? अरे इतनी कसरत तो हम कुश्ती करते भी नहीं करते। इच्छाधारी नाग बनना आसान ना है। एक बात कहूं छोटे, मुझे लगता है ये नागों में हड्डियां वड्डियां नहीं होती, तभी तो इतने लचीले होते हैं। मतलब अब हमें लचीला बनने के लिए अपने शरीर की सारी हड्डियां निकाल कर फेंकनी होंगी। हैं, हड्डियां सेकनी होंगी? अरे वो जलना जाएंगी। अरे भाई, सेकनी नहीं, हड्डियां निकाल कर फेंकनी होंगी। अरे वो तो इच्छाधारी नाग बनने के चक्कर में वैसे चू चूर होकर निकल जाएंगी। क्या कहते हो भाई, और फीलिंग लेनी है नाक बनना? और नहीं हो गया, मेरे बस की ना। मैं तो कहता रेस्ट कर लेते। ये रहा नागिस्तान का द्वार।
नागिस्तान है? सच में कैसे मान लूं मैं? दरवाजा देख रही हैं आप? आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई दरवाजा देखा है? नागंजना नाम है मारा। बिना तसल्ली के तो मैं अपने बाप की भी बात नहीं मानती। मारे साथ साथ तने भी अंदर आना पड़ेगा। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर नागिस्तान वासियों को पता चल गया कि मैं आपको यहां तक लेके आया हूं तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे आपको नागिस्तान तक पहुंचाना था, वो मैं कर चुका हूं। अब इसके आगे आप जाने। देख छोरा, चुपचाप मारी बात मान ले, वरना मैं तने घसीट कर ले जाऊंगी। रुक जाओ। बब्बल, ये क्या किया तुमने? Oh, 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 oh